दुश्मन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। तू क्या समझती है और वो क्या समझता है कि हम झुक जाएंगे? प्यार झुकता नहीं है दीदी। औरत चाहे गरीब की कुटिया में हो या महलों में, उसकी नजरें हमेशा झुकी हुई अच्छी लगती है। लेकिन हम वो लड़की नहीं जो झुक जाए। जीत हमारी होगी, उस अजय की नहीं। नमस्ते राजा साहब। जीते रहो रुपेश, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मंगनी होने से पहले रमा और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। जी राजा साहब। आओ रमा, आओ आओ बेटे। देखो, भवानीपुर की शान किशनगढ़ की जान से मिलने आई है। हेलो। मगर ताऊ जी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बेटे, ये भवानीपुर इंडस्ट्रीज के मालिक केदारनाथ जी के इकलौते चश्मों चिराग रुपेश हैं। इन्हीं से तो तुम्हारी सगाई तय की है। मगर ताऊ जी, मैं तो इन्हें जानती भी। अपने जंगलात में दोस्तों के साथ शिकार के लिए जा रहा था। शिकार? जी। हाउ एक्साइटिंग। आप शिकार करते हैं? जी हाँ, क्यों? वैसे तो किसी जंगली जानवर का शिकार करने का हमारा भी बड़ा दिल करता है। ओह रियली? तो चलिए ना हमारे साथ, इसी बहाने आपके शिकार करने के शौक भी पूरे हो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। क्यों राजा साहब? Why not? रमा जरूर जाएगी। शिकार? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? लगता है मुझे मिलने की बेताबी में रात भर सोई नहीं। हाँ, मैं सारी रात सोई नहीं, तुम्हें याद करती रही, और सुबह का सूरज चढ़ते ही तुम्हें ये कहने आई हूँ कि अब तुम उम्र भर रातों को सो नहीं सकोगे। अच्छा, मैं शादी करने वाली हूँ। हमारी शादी इतनी जल्दी? अरे, मैंने तो अभी तक अपनी माँ से बात भी नहीं की। गलत फहमी के शिकार हो तुम, मेरी शादी भवानीपुर के राजकुमार रुपेश सिंह से होने वाली है। क्यों, कैसा लगा और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मुझसे शादी करने के सपने देखने की? मेरा तन मन उसकी अमानत होगा, वो मेरी इज्जत आबरू का रखवाला होगा, मेरी हर सांस उसकी होगी। हर रात जब तुम मेरे लिए तड़पोगे, मैं उसकी मजबूत बाहों में होंगी, मेरी डोली तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगी और तुम देखते रह जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें रांझा बनने का, तो चलो आज मैं तुम्हें कैद से मजनू बना दूं, वो मजनू जिसे लैला कभी हासिल नहीं हुई, जो रेगिस्तान में दर बदर भटकता रहा, जिस पर जमाना पत्थर मारता रहा। वो बेवकूफ लैला अपने मजनू को पत्थरों से बचाती रही, लेकिन मैं एक पत्थर मैं भी मारूंगी। रुपेश, वो देखो।
राजकुमार जिसकी मजबूत बाहें जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करेंगी। अरे जिंदगी भर तो दूर, ये तो एक रात भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम जैसी लड़कियां जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं, उनकी इज्जत का रखवाला ऐसा ही होगा। तुम क्या मेरी मोहब्बत को ठुकराओगी? मेरी मोहब्बत तो दूर, तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं। रमा, 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 कल रात जो कुछ हुआ, दरअसल मैं होश में नहीं था रमा। अपने दोस्तों की बदसलूकी के लिए मैं माफी चाहता हूँ रमा। बदसलूकी? मेरा तो ख्याल था कि ये तुम्हारे खानदान की कोई महान परंपरा होगी कि दुल्हन को पहले दूल्हे के दोस्तों की रखेल बनना पड़ता है। रमा, चिल्ला मत। तुम जैसे कमजोर आदमी अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने पर आवाज उठाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? तुम हद से आगे बढ़ रही हो रमा। ये मत भूलो कि तुम मेरी मंगेतर हो। मंगेतर? और तुम्हारी? अगर मेरे ताऊजी को पता चल गया कि भवानीपुर की शान ने किशनगढ़ की जान के साथ क्या सलूक किया है तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो भवानीपुर के साथ साथ तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे।